गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे ऑल्सो वी विल कंटिन्यू आवर वर्ड प्रॉब्लम्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द सम ऑफ द फोर नंबर्स एज गिवन बिलो. अभी चार नंबर दिए. फर्स्ट नंबर इज द सक्सेसर ऑफ 32. सक्सेसर ऑफ 32. तो 32 का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर यानी उसके एक नंबर आ गया तो क्या होगा? 33. सेकेंड नंबर इज गिवन सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर ऑफ 67. सक्सेसर ऑफ सक्सेसर 67. कितनी टाइम्स सक्सेसर है? टू टाइम्स. तो 67 के टू टाइम्स आगे नंबर जाए तो क्या होगा? 67, 68 एंड 69. देन प्रीडिसेसर प्रीडिसेसर ऑफ 49. सो 49 का प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर यानी उसके पीछे नंबर 49 के पीछे कौन आता है? 48. एंड लास्ट डिजिट है प्रीडिसेसर ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ 56. प्रीडिसेसर ऑफ प्रीडिसेसर यानी प्रीडिसेसर का भी प्रीडिसेसर. तो इसका प्रीडिसेसर क्या हुआ? 55. और 55 का प्रीडिसेसर क्या हुआ? 54. राइट. तो हमें बोलना क्या करने को बोला है? डिटरमाइन द सम. सम यानी हम क्या करेंगे उसका? प्लस. राइट. ऑफ अ गिवन फोर नंबर्स. कौन कौन से नंबर दिए? सक्सेसर ऑफ 32, सो 33. सक्सेसर ऑफ 67, तो 69. दो बार सक्सेसर किया तो प्रीडिसेसर ऑफ 48. प्रीडिसेसर ऑफ 56, दैट इज 54. क्या होगा? ये तीनों का प्लस 24. ये चारों का प्लस 24, इसका 20. सम हो गया. अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km per hour. ऐसे लिखा है 60 km per hour. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 hour में वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करता है? 60 किलोमीटर. 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है कि एक घंटे में वो कितने किलोमीटर जाता है? 60. तो एक बस है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, एक घंटे में वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करती है? 60. अंडरस्टूड. नाउ द जर्नी इज शोन इन द अलोंग साइड. एक फिगर दिया है. ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई, एफ और जी. सो ए से बी जाने में कितने किलोमीटर्स लगते हैं? 4170. बी से सी जाने में कितने किलोमीटर्स लगते हैं? 3410 किलोमीटर्स.
सी से डी जाने में कितने किलोमीटर लगते हैं? 2160 किलोमीटर। डी से ई जाने में 8140 किलोमीटर। ई से एफ जाने में 4830 किलोमीटर। एफ से जी जाने में 2550 किलोमीटर। और जी से ए फिर से पहुंचने में 1290 किलोमीटर। सो ये डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट पॉइंट पहुंचने के लिए हमें फिगर दिया है। ए से बी पहुंचने के लिए 4170 किलोमीटर लग रहे हैं। बी से सी पहुंचने में 3410 किलोमीटर लग रहे हैं। सी से डी पहुंचने में 2160 किलोमीटर लग रहे हैं। देन डी से ई पहुंचने में 8140 किलोमीटर लग रहे हैं। ई से एफ पहुंचने में 4830 किलोमीटर लग रहे हैं। एफ से जी पहुंचने में 2550 किलोमीटर लग रहे हैं। और जी से फिर से ए पहुंचने में 1290 किलोमीटर लग रहे हैं। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। अभी ए से घूमते हुए डी तक पहुंचने के लिए, ए टू डी पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर्स टोटल हो रहे वो हमें फाइंड करना है। सो ए से बी कितने किलोमीटर है? 4170। बी से सी कितना है? 3410। एंड सी से डी कितना है? 2160। जीरो, 14, 2, 6, 7, 9। सो ए पॉइंट से स्टार्ट करके डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर्स लग रहे हैं? 9740 किलोमीटर्स। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी। डी से लेके हमें कहाँ तक पहुंचना है? जी तक। डी टू जी हमें जाना है। सो डी से ई कितने किलोमीटर है? 8140। ई से एफ कितने हैं? 4830। एंड एफ से जी कितने हैं? 2550। ये सभी का क्या करना है हमें? डी से जी पहुंचना है। सो डी से ई जाना पड़ेगा, ई से एफ और एफ से जी। 8, 12, 10, 15, 9, 13, 14, 15, 15520 किलोमीटर, राइट? दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। से डी से लेके जी तक पहुंचने के लिए इतने किलोमीटर्स लगते हैं। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न बैक टू ए। हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है जब वो ए से स्टार्ट करके घूमती हुई फिर से वो कहाँ पे आएगा? ए पे ही, ए टू ए जाना है, यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल जर्नी। टोटल जर्नी यानी सभी को प्लस करना पड़ेगा। 4170, 3410, 2160, 8140, 4830, 2550, 1290। सभी का हमें करना है प्लस। हियर जीरो, देन
आएगा 35, 25, 26. सो ए से स्टार्ट करके फिर से ए पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर्स लगते हैं? 26,550 किलोमीटर्स, राइट? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम, डिफरेंस यानी हमें क्या करना है, माइनस करना है डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी की डिस्टेंस माइनस डी टू ई, डी टू ई तो सी से डी कितने, 2160, राइट? एंड डी से ई कितने, 8140. तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट बड़ा नंबर लिखना है. सो 8140 माइनस, डिफरेंस करना है जीरो. सो कितना डिस्टेंस है, 5980, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में भी सब क्वेश्चंस है. फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट वन, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच ए टू बी, ए से लेके बी पहुंचने में वो कितना टाइम लगाती है, वो हमें फाइंड करना. स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था क्वेश्चन के कि वो 1 आवर में कितने किलोमीटर्स जाती है, 60 किलोमीटर्स. तो हमारे पास तो किलोमीटर ए से बी तक कितने किलोमीटर है, 4170 किलोमीटर में कितने आवर्स लगेंगे, वो टाइम हमें फाइन करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क के सामने 60 है तो वो जाएगा डिनोमिनेटर में, 170, 00 कर. नाउ 6 के टेबल में 41 नहीं आता, 6 7 जा 42 हो जाएगा तो ले नहीं सकते. सो 6 6 जा 36. यहाँ पे बचा 5 57, तो 6 9 जा 54 55 56 एंड 57, 3 बचे. तो यहाँ पे 0 तो ऑलरेडी कट हो गया, राइट? तो पॉइंट आएगा, यहाँ पे 3 बचा तो 0 लगा सकते हैं. 6 के टेबल में 30 कब आएगा, 6 5 6 6 कट. कितने आवर्स लगे, 69.5 आवर्स. अंडरस्टूड? सो ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए उसको कितने आवर्स लगते हैं, 69.5 आवर्स लगते हैं, यानी 69 आवर्स और 30 मिनट्स. 0.5 का मतलब 30 मिनट्स टाइम में. अंडरस्टूड? दिस इज द फिफ्थ का सब क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ फिफ्थ का सब क्वेश्चन सेकेंड. सी टू डी, सी टू डी हमें फाइंड करना है. सो 1 आवर अगेन 60 किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर है, 2160 किलोमीटर में कितने आवर्स लगेंगे वो फाइंड करना है. क्वेश्चन मार्क के सामने 60 है सो डिनोमिनेटर में 60, 00 कर. 6 3 18, 19 20 एंड 21, 3 बचा 36. सो 6 6 36, 6 6 कर. कितने आवर्स लगेंगे, 36 आवर्स. अंडरस्टूड? सी से डी पहुंचने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, 36 आवर्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ का क्या लिखा है, ई टू जी. ई से लेके जी पहुंचने के लिए हमें ये दोनों पहले ऐड करने पड़ेंगे, ई से एफ और एफ से जी. सो कितने, 4830 प्लस 2550,
इतने किलोमीटर्स हुए, सो 1 आवर में कितने किलोमीटर्स थे, 60 किलोमीटर्स, 7380 किलोमीटर में कितने आवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 60 डिनोमिनेटर में 7380, 0 0 कट, 6 1 जा 6, 1 बचा 13, 6 2 जा 12, 1 बचा 6 3 जा 18, 6 6 कट, आंसर इज 123 आवर्स. अंडरस्टूड. लास्ट क्वेश्चन, टोटल जर्नी. टोटल जर्नी यानी ए से हम स्टार्ट करें फिर से घूम के ए तक पहुंचने के लिए कितना टाइम हमें चाहिए वो फाइंड करना है. टोटल जर्नी का टाइम फाइंड करना है, राइट. सो टोटल जर्नी तो हमने प्लस की थी कौन से वाले क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में. सो उसका आंसर क्या आया था, 1 आवर इक्वल टू 60 किलोमीटर. टोटल जर्नी की वैल्यू क्या आई थी, 26,550 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मच आवर्स, सो 60 विल गो डाउन इन डिनोमिनेटर, 26,550, 0 0 कट, 6 6 4 जा 24, सो 25 and 26, 2 बचे, अगेन 6 4 जा 24, 1 बचा, 6 2 जा 12, 13 14 and 15, 3 बचे. बट यहाँ पे तो डिवीज़न में कोई नंबर बचा नहीं है, तो पॉइंट डालो तो 0 डाल सकते हैं, 30, 6 5 जा 30, 6 6 कर 5 आवर्स. अंडरस्टूड, थैंक यू.